आज की क्लासेस में हम देखेंगे मीडिया कंपोजिशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो सेल कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो किसी सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन को एनिमल या प्लांट से सेपरेट करके उसे किसी कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियली कंट्रोल कंडीशन या एनवायरनमेंट में ग्रो कराने की टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर या फिर उसे सेल कल्चर भी कहते हैं। तो इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सेल कल्चर वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल्स को कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, जनरली उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर। टिश्यू या सेल कल्चर एक एनिमल या प्लांट सेल टिश्यू या ऑर्गन को रिमूव करने का एक टर्म है और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सेल ग्रोथ करने के लिए ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। आगे हम देखते हैं एनिमल सेल कल्चर। तो एनिमल सेल कल्चर को कैसे करते हैं? इसके लिए इनक्यूबेटर का यूज़ करके कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर एनिमल ऑर्गन सेल या टिश्यू की इन विट्रो कल्टीवेशन में और सेल न्यूट्रिएंट और ग्रोथ फैक्टर वाले मीडिया में इनक्यूबेट एंड कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करके टिश्यू कल्चर के रूप में इसको किया जाता है। यदि इस कंडीशन में न्यूट्रिएंट बढ़ती रहती है सेल कल्चर में, सेल इससे डिवाइड होती रहती है। अब इसकी मीडिया कंपोजिशन देखते हैं। तो मोस्टली एनिमल सेल कल्चर मीडिया आर जनरली, मतलब कि इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड्स और जैसे नाइट्रोजन सोर्सेस होते हैं एमिनो एसिड। विटामिन्स में जनरली वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। आगे हम देखते हैं फैट। इसमें फैट सॉल्युबल कंपोनेंट्स जैसे फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजन और CO2 कंसंट्रेशन। फिजिकल इन्वायरमेंट में इसमें जो अफेक्ट भी कर सकता है जैसे pH, टेम्परेचर, ऑस्मोलिटी एंड गैसेस इन्वायरमेंट, सपोर्टिंग सरफेस एंड प्रोटेक्टिंग द सेल ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं जो इस मीडिया के लिए आवश्यक होते हैं। आगे हम देखते हैं CO2 इनक्यूबेटर्स का यूज़ और कुछ डिज़ाइन किए हुए सेल जो कि लाइव सेल की हम कॉपी बनाते हैं और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको विजुलाइज किया जाता है। ज़्यादातर एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किए जाते हैं और इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके बहुत कम टेम्परेचर पर सेल को स्टोर किया जाता है। DMSO एक क्रायो प्रिजर्वेटिव मॉलिक्यूल है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। सीरम एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें ग्रोथ के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं एनिमल सेल कल्चर मीडिया के लिए जो मोस्टली रिक्वायर्ड होती है एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए जो मीडिया होती है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर होती है उसको हम देखते हैं। तो एमिनो एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें एनिमल टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में सिंपल ग्लास या कंटेनर में ग्रोथ हो सकती है लेकिन वह सिर्फ लिमिटेड जनरेशन तक ही ग्रो करता है। कल्चर मीडियम में लैब कंडीशन में सेल को ग्रोथ करने को ही हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। सेल एडहेरेंट सेल के रूप में ग्रो करती है। अब जो प्राइमरी सेल कल्चर है उसे हम दूसरी भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी टिश्यू को
आइसोलेट करके उस टिश्यू में सिंगल सेल का आइसोलेशन किया जाता है। तो इसके लिए एंजाइम या होमोजेनाइजर का यूज़ किया जा सकता है। इस प्रोसेस में कुछ सेल डेड हो जाती हैं, कुछ वेबल रहती हैं। किसी कल्चर मीडिया में ऑप्टिमाइज कंडीशन में इनक्यूबेट किया जाता है ताकि सेल्स ग्रो कर सके, एंड दिस कॉल्ड प्राइमरी सेल कल्चर। ओके, नेक्स्ट से प्राइमरी कल्चर को नए मीडियम में ग्रो करते हैं, सेकेंडरी कल्चर कहते हैं उसको। सेल्स को टिश्यू से मैकेनिकल तरीके से प्रोटियोलिटिक एंजाइम का यूज़ करके एंजाइमेटिक डाइजेशन से अलग किया जाता है। और आगे इसमें देखते हैं हम फिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो फिनिट सेल्स और कंटिन्यूअस सेल लाइन क्या होता है? नॉर्मल सेल्स आमतौर पर केवल सीमित या लिमिटेड नंबर्स में डिवाइड होती है इसके पहले कि वे अपने ग्रोथ कैपेसिटी खो देते हैं, जो एक जेनेटिकली डिटरमाइंड इवेंट है जिसे सेल लाइन के रूप में हम जानते हैं। कुछ सेल लाइंस इमॉर्टल होती है। जब फिनिट सेल्स लाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हैं और डिवाइड करके कंटिन्यूअस सेल लाइन बनाती है तो कंटिन्यूअस सेल लाइन बनाती है तो ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, नेचुरल मीडिया और आर्टिफिशियल मीडिया। तो नेचुरल मीडिया और आर्टिफिशियल मीडिया क्या होते हैं उसको देखते हैं हम। तो नेचुरल मीडिया से क्या तात्पर्य है? नेचुरल मीडिया के कंपोनेंट्स नेचुरली ओरिजिन होते हैं और सफिशियंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल हम प्लाज्मा क्लॉट्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स, ये सब होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्लॉट्स। तो क्लॉट्स क्या हैं? सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाले क्लॉट्स प्लाज्मा क्लॉट्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक यूज़ होती है। प्लाज्मा अब कॉमर्शियल रूप से लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है जिसे लैब में तैयार किया जाता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कल्चर मीडिया के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ह्यूमरल आई एमनियोटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमरल इंसेक्ट एंड हीमोलिम्फ सीरम और आदि। आगे हम देखते हैं टिश्यू एक्सट्रैक्ट क्या होता है। तो चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट सबसे अधिक यूज किया जाने वाला टिश्यू है, लेकिन जो बोविन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट्स है उसका भी यूज़ किया जाता है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट को अक्सर एमाइनो एसिड और कुछ अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया है वो क्या होता है। तो आर्टिफिशियल मीडिया उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये दो तरह से होते हैं, सीरम कंटेनिंग मीडिया और सीरम फ्री मीडिया। तो जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मीडिया प्रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल, विटामिन, सॉल्ट, ऑक्सीजन, CO2, सीरम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड को फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम फ्री मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया और प्रोटीन फ्री मीडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया। तो सीरम कंटेनिंग मीडिया में हम देखते हैं ये लिक्विड येलोइस फैब्रिन और ब्लड से सेल्स को निकालने के बाद बची हुई कंटेंट ही सीरम कहलाती है, ठीक है। फीटल बोविन सीरम एनिमल सेल कल्चर में सबसे अधिक यूज होने वाली सप्लीमेंट्स होती है, जो नॉर्मल ग्रोथ मीडिया में 2-10% जो सीरम होता है यह सेल्स के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है,
कई हार्मोन्स प्रोवाइड करती है, इसमें कई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, यह एक बफर का वर्क करता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? तो सीरम से, जो सीरम होता है उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन होते हैं जो सेल ग्रोथ और उसके वर्क को स्टिमुलेट करता है। मीडिया में सीरम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे सीरम की जो स्ट्रक्चर है उसमें कमी और कंपोजिशंस को बनाए रखने के लिए सीरम टेस्ट की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ इनहिबिटर फैक्टर्स होते हैं, मीडिया के पीएच बनाए रखने का काम करती है ये इनहिबिटर्स। मीडिया में सीरम की उपस्थिति सेल कल्चर प्रोडक्ट के प्यूरिफिकेशन में बाधा डालती है। अब देखते हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया। तो सीरम कंटेनिंग मीडिया के लिए फीटल बोविन सीरम एनिमल टिश्यू कल्चर मीडिया में सबसे कॉमन सप्लीमेंट्स है। ये ऑप्टिमम कल्चर मीडियम में देने के लिए लो कॉस्ट वाले सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सीरम कैरियर को वाटर में न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, प्रोटीज इनहिबिटर, बाइंड टॉक्सिन को बाइंड कर ये इसको बेअसर कर देता है। अब सीरम फ्री मीडिया क्या होता है? तो सीरम फ्री मीडिया में सीरम की उपस्थिति इम्यूनोलॉजिकल स्टडी में एक रॉन्ग प्रीसियस पैदा करती है। ये मीडिया आमतौर पर सिंगल सेल टाइप की कल्चर का सपोर्ट करने और प्यूरिफाइड ग्रोथ फैक्टर, लिपोप्रोटीन और प्रोटीन जो आमतौर पर सीरम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, इसे हम डिफाइंड कल्चर मीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं केमिकली डिफाइंड मीडिया। तो ये क्या होते हैं? तो इस मीडिया में कंटैमिनेशन फ्री, अल्ट्रा प्योर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होते हैं और ग्रोथ फैक्टर जैसे प्योर प्रोटीन एडिटिव्स भी हो सकते हैं। उनके कंपोनेंट्स बैक्टीरिया या यीस्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विटामिन्स और कोलेस्ट्रॉल, स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन फ्री मीडिया। इस मीडिया में कोई प्रोटीन नहीं होता है, इसमें केवल नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। सीरम सप्लीमेंट मीडिया की कंपेयर में प्रोटीन फ्री मीडिया का यूज़ सुपीरियर सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं और किसी भी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट के डाउन स्ट्रीम प्यूरिफिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल की इन कल्चर। तो जो सेल्स होती है उनके शेप के बेस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्टिक या फाइब्रोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं बाइपोलर या मल्टीपोलर होती है। ये लॉन्ग शेप की होती है और एक सबस्ट्रेट अटैच रहती है। सेकंड है इपिथीलियल। तो इपिथीलियल लाइक सेल्स ज़्यादा पॉलीगोनल डायमेंशियल शेप की होती है और डिस्क्रीट पैचेस में से एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है। थर्ड है लिम्फोब्लास्ट। तो लिम्फोब्लास्ट जैसी सेल्स शेप में स्फेरिकल शेप या राउंड शेप में होती है, यूजुअली सरफेस से अटैच हुए बिना सस्पेंशन में ये ग्रो की जाती है। अब हम एनिमल टिश्यू कल्चर के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल वैक्सीन। इनका कैंसर रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है, जिसके लिए कल्चर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूजिंग सेल लाइंस। स्टडी द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल एंड मेनी कमर्शियल प्रोटीन प्रोड्यूस किए जाते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर PTA। पहली मेडिसिन थी जिसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक का यूज़ करके मैमिलियन सेल कल्चर द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हार्ट डिसीज और थ्रोम्बोसिस
थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट में ब्लड क्लॉट्स को इफेक्ट करने के लिए ये सेफ एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।